Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Naki vadya sure me ek swar me rami lalu samarpan ke shubh kano me यह सुतन मेरा मिला लूं बंदिनी आत्मान भूलूं राग में यदि भ्रमित झूलूं बंदिनी आत्मान भूलूं राग में मोक्ष गति की आत्माओं में एक गति मेरी मिला लूं समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लूं वंदना के वाद्य सुर में एक स्वर मेरा मिला लूं वितराग परमात्मा बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव और आगमवाणी को भावमय वंदना उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम हम सब पर निरंतर अनेकों महापुरुषों की कृपा बरस रही है और हम में से अधिकांश लोग कृपा कांक्षी भी होते हैं यानी कृपा पाने की इच्छा भी रखते हैं और बड़ी गजब की बात यह है कि हम लोग कृपा पाने की इच्छा रखते हुए आज दिन तक कितने ही देवालयों में गए होंगे चैत्यालयों में गए होंगे यक्षायतनों में गए होंगे तीर्थ स्थलों पर गए होंगे मंदिरों में गए होंगे और हमें ऐसा विश्वास होता है या ऐसा महसूस होता है कि जब मैं देव मंदिर जाऊंगा प्रणाम करूंगा तो मुझ पर कृपा बरसेगी जब मैं तीर्थ स्थल पर जाऊंगा पूजा आरती करूंगा तो मुझ पर भगवान की कृपा होगी अगर एक कल्पना करें कि वाकई भगवान वहां बैठा है और वो ये देख रहा है कि सारे लोग यहां आकर के कृपा चाह रहे हैं और मुझसे कृपा मांग रहे हैं कितनी अद्भुत बात है कि मैं तो इनको हर पल अवेलेबल रहता हूं हर स्थान पे रहता हूं हर समय में रहता हूं लेकिन ये लोग निरंतर बरस रही कृपा को देख ही नहीं पाते निरंतर सामने आए हुए भगवान के रूप को हम देख ही नहीं पाते और भगवान भी हंस रहा होगा कि इसको इस प्रतिमा में भगवान नजर आ रहा है इसको हर स्थान पे भगवान क्यों नहीं नजर आता हर इंसान में भगवान क्यों नहीं नजर आता हर घटना में भगवान क्यों नहीं नजर आता अगर भगवान वहां बैठे देख करके ऐसा सोचे तो बड़ा मुस्कुराएगा कि यहां देवी के मंदिर पे ये दर्शन करने आया यहां इतनी दूर पहाड़ी पर चढ़ करके ये कृपा की कामना लेकर आया इसके गांव में भी मैं गया था किसी फकीर के रूप में किसी साधु या साध्वी के रूप में इसके घर में भी मैं पहुंचा था इसकी मां के रूप में इसके पिता के रूप में लेकिन
ये आदमी मुझे वहां देख ही नहीं पाया। कहते हैं शिरडी के साईं बाबा के साथ एक घटना घटी कि उनका एक अमीर भक्त उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करता कि आपको मेरे घर पे आना है, किसी दिन भिक्षा के लिए मेरे घर पर आना है। साईं बाबा सुनते लेकिन कभी जाते नहीं। एक दिन तो वो जिद करके बैठ गया कि कल मेरे घर पे मैंने बड़ा सा आयोजन रखा है और उस आयोजन में मैंने पूरे गांव भर को न्योता दिया है, कल तो आपको आना ही पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो साईं बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तो आ जाऊंगा लेकिन तू पहचानेगा तब ना। वो बोला इसमें क्या बड़ी बात है, आपको मैं कैसे नहीं पहचानूंगा, मैं तो आपको रोज ही ध्याता हूँ, रोज ही प्रणाम करता हूँ, आपको तो मैं पहचान ही लूंगा। और घटना कुछ ऐसी घटी कि उसके यहाँ जो आयोजन था वो दरवाजे पर खड़ा रहा कि अब साईं बाबा आएंगे, अब साईं बाबा आएंगे, और उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा तो आएंगे, वचन दिया है तो पूरा तो करेंगे, आएंगे जरूर। वो दरवाजे पर खड़ा रहा, बहुत लोग आए लेकिन साईं बाबा तो नहीं आए। हाँ, इस दरमियान एक कुत्ती जरूर अंदर प्रवेश करना चाह रही थी, कुतिया, और वो भी गंदे शरीर की थी, सुंदर दिखने वाली नहीं थी और उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी, वो मरियल सी भी लग रही थी। और जैसे वो कुतिया उस द्वार में प्रवेश करना चाह रही थी, उसने लकड़ी लेकर के पास में पड़ी लकड़ी को उठाया और उसको पीटा और उसको बाहर भगा दिया था। कुतिया फिर अंदर आना चाहिए, उसने फिर लकड़ी से पीटा, फिर भगा दिया। ऐसा उसने 3-4 बार किया, फिर कुतिया चली गई। कार्यक्रम पूरा हुआ शाम तक, सब लोग आए, सबने बहुत सराहना की, बड़े प्यार से भोजन खाया, सब चले गए, लेकिन उस भक्त का दिल दुखी था क्योंकि उसके मन में जिसकी प्रतीक्षा थी वो तो आया ही नहीं। और हमारा मन भी बड़ा विचित्र है, 100 सुख हमें मिल जाए लेकिन हमें जिस चीज़ की प्रतीक्षा है वो ना मिले तो मन दुखी। वो सारे 100 सुखों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज़ की है? जिसकी हमें प्रतीक्षा है वो हमें मिले। और बड़ी किस्म की बात है कि जिस दिन हम प्रतीक्षा करना बंद कर देते उस दिन वो चीज़ मिलती है, और जब वो चीज़ मिलती है तब हम हैरान होते हैं कि अब तो मेरे मन में इसकी कोई कामना ही नहीं है, कोई तमन्ना ही नहीं है, अब ये मुझे मिली है, अब मैं क्या करूँ। ये हर किसी की जिंदगी में होता है। आदमी जब तक जिसके पीछे भागता है वो चीज़ें नहीं मिलती, और जैसे ही वो भागना बंद करता है चीज़ें उसके पास चल करके आनी शुरू हो जाती है। और जब वो आती है, अगर व्यक्ति चिंतन मंथन कर सके तो समझ में आएगा कि सृष्टि का राज यह है कि जिसके पीछे भागोगे वो आगे आगे भागेगा और आपको भगाएगा, मिलेगा नहीं। और जैसे ही आप भागना छोड़ दोगे चीज़ें खुद आके मिलेंगी। लेकिन कहाँ समझ पाता है हमारा कमज़ोर मन? ये कमज़ोर मन हर बार कोई ना कोई कांक्षा ले लेता है, कोई ना कोई उम्मीद पकड़ लेता है, कोई ना कोई इच्छा को पाल लेता है और फिर उस इच्छा के पीछे घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते को भगाने के लिए सामने कैरेट पकड़ ले और फिर उस कैरेट को दिखाता जाए और कुत्ते को भगाता जाए, लेकिन ना उस कुत्ते को कैरेट दे और ना कैरेट को हटाए। ऐसे हमारा मन किसी न किसी बात को कैरेट की तरह पकड़ लेगा और फिर उसके पीछे पीछे भागता रहेगा। खैर, भक्त दुखी था क्योंकि उसके गुरु नहीं आए। फिर वो गया शाम को और कहा कि आपने तो जो वचन दिया था कि मैं आऊँगा, आप आए क्यों नहीं? साईं बाबा कुछ बोले नहीं, जैसे बैठे थे उसे उल्टे हो गए और पीठ दिखाई अपने। उसने पीठ देखी तो लहू लुहान हुई हुई पीठ थी, जोर की मार पड़ी हुई थी उस पीठ के ऊपर। भक्त बोला, ये क्या हुआ, किसने किया, कैसे हो गया? बोला, आया था मैं तेरे द्वार पे, पर देख तूने मुझे कितना पीटा, 3 बार आने की कोशिश की, 3ों बार तूने मुझे पीट करके भगा दिया, मैं क्या करूं। अब तो भक्त जार जार रोए, उसके आंसू रुके ही ना, ये मुझसे क्या गलती हो गई।
बोले लेकिन आप इस रूप में तो नहीं आए थे। तो बोले मैंने पहले ही कहा था कि मैं आऊंगा लेकिन तू पहचान पाएगा तब ना। परमात्मा हर रूप में हमारे सामने हर वक्त रहता है लेकिन हम पहचान पाए तब ना। ये दृष्टि जो आ जाए कि सब कुछ परमात्मामय है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा जगत ईश्वरमय है, कण कण दिव्य है, कण कण हर पल हम सब कृपा से आप्लावित हो रहे हैं। एक भी पल ऐसा नहीं जब कृपा हम पर नहीं बरस रही है, लेकिन हमारा कमजोर मन हमेशा उम्मीद करता रहता है अरे कभी तो कृपा मिले, कभी तो दृष्टि का दान हो, कभी तो दर्शन हो, लेकिन वो हर पल है। लेकिन इतना विश्वास होना बड़ी बात है, ऐसी आस्था जगना। इसीलिए मांगता है कोई भक्त तो वो आस्था मांगता है, भगवान को नहीं मांगता, आस्था को मांगता है। वो कहता है आस्था जगा दो, आप तो हो ही। जो ना समझ भक्त है वो भगवान को मांगता है और समझदार भक्त भगवान को नहीं मांगता, वो कहता है आस्था आस्था दो, आप तो हो ही, आंखें दो कि मैं आपको देख सकूं, आप तो हो ही, मेरे पास ही आंखें नहीं है। आंखें दो गुरु देख लूं, बिना आंख की बात, आंखें दो गुरु देख लूं, बिना आंख की बात, चरण धूल द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात गुरु जी, होवे सत साक्षात। हे गुरुदेव आंखें दो कि मैं वह देख सकूं जो बिना आंख की बात है। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी, उनकी रचना है ये कि वे कहते हैं कि चरण धूल द्युति धन्य है, आपके चरणों की धूल की द्युति भी धन्य है, होवे सत साक्षात जो मुझे सत्य का साक्षात्कार कराती है। बस दृष्टि दे दो मेरे को कि मैं देख सकूं। तो उस समय साईं बाबा ने उस भक्त को आंखें दी और कहा कि देख, गुरु किसी भी रूप में आ जाता है, भगवान किसी भी रूप में आ जाता है। हमने सुना ना देवताओं के पास रूप बदलने की क्षमता होती है, देवताओं के पास वक्री शरीर होता है, वो चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। और जब देवताओं के पास वक्री शरीर होता है कि वे रूप धारण कर सकते हैं, तो देवों के देव गुरुदेव के पास में कितना वक्री शरीर होगा, कितनी अद्भुत क्षमता होगी। उनके पास दिव्य चैतन्य होता है, परम चैतन्य होता है, शुद्ध चैतन्य होता है, और वे मुस्कुराते हैं कि कैसा ये भक्त है, कृपा की कांक्षा कर रहा है, जबकि कृपा तो हर वक्त है, महसूस क्यों नहीं कर रहा। भगवान के दर्शन चाह रहा है जबकि भगवान तो हर जगह है, ये देख क्यों नहीं पा रहा। इसीलिए जब एक व्यक्ति वो दृष्टि पाता है कि जहां उसे सब में ईश्वर नजर आए, वो दृष्टि जिसे मिलती है उसको कहते हैं कि यह व्यक्ति को धर्म उपलब्ध हुआ, यह व्यक्ति को धर्म का मार्ग मिला। जिसको दृष्टि मिली उसको धर्म का मार्ग मिला, जिसको अब तक दृष्टि नहीं मिली है वे लोग आंख होते हुए भी अंधों के समान है। और हमारी ये जिंदगी ऐसे ही ना चली जाए कि दो आंखें पाई लेकिन अंधे ही बने रहे, सर्वत्र ईश्वर नहीं देख पाए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत में किंचित मात्र जो कुछ भी है वो सब कुछ दिव्य है, परमात्मामय है, चैतन्यमय है।
लेकिन अपने भीतर की चेतना इतनी विकसित हो तो सब नजर आएगा, तो नजर ही नहीं आ सकेगा। लेकिन अपने भीतर की चेतना कैसे विकसित हो, उसका रास्ता क्या है? कि मेरे भीतर का चैतन्य इतना विकसित हो जाए कि मुझे सर्वत्र ईश्वर नजर आए। तो अगली पंक्ति में ये उपनिषद का सूत्र कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृद्ध कस्य स्विद्धनम। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस पूरे विश्व को त्याग पूर्वक भोगो, और मां गृद्ध कस्य स्विद्धनम, किसी के धन में कभी गृद्ध मत बनो, किसी के धन में कभी आसक्त मत बनो। दो रास्ते दिए, पहला रास्ता दिया कि भोग त्याग पूर्वक हो। कैसे? इस छोटे से सूत्र की, और सूत्र कहते ही उसको है जो बहुत कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, बहुत संक्षिप्त में कहा हुआ होता है, उसका विस्तार बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर उसको पकड़ो तो वो छोटी सी बात है, या उसके अंदर उतरो तो बहुत बड़ी बात है। तो बाहर में एक छोटी सी पंक्ति है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग पूर्वक भोगना। लेकिन त्याग पूर्वक भोगने का मतलब क्या है? अनेक आयामी व्याख्याओं में से हम एक छोटा सा आयाम को, आज छोटे से पहलू को छूते हैं। त्याग पूर्वक भोग का मतलब है कि हर भोग पहले अर्पित करो फिर ग्रहण करो। खाना खाने से पहले उस खाने का समर्पण हो, धन्य हो ये भोजन मेरे गुरुदेव ग्रहण करें। आज जो खाना मैंने पकाया, आप लोगों ने बनाया बड़े प्यार से, खाने से पहले ये भावना आए कि ये खाना गुरु के पात्र में जाए, ये खाना किसी अतिथि को मिले, ये खाना घर के सारे लोग खा ले फिर मैं खाऊं। एक खाने के प्रति भी भारतीय संस्कृति में ऐसी भावना बचपन से सिखाई जाती रही है कि पहले खाना खुद मत खाओ, पहले खाना ईश्वर को अर्पित करो। कितने घरों के अंदर लोग अपने घर मंदिर के अंदर पहले भोग चढ़ाते हैं फिर भोजन करते हैं, देवरे में चढ़ाते हैं फिर खाते हैं, सबको खिलाते हैं फिर खाते। केवल खाने की बात नहीं थी, ये हर चीज की बात थी कि जो भी सुविधा हमें मिले पहले हम उस सुविधा को अन्यों को अर्पित करें। देखो ये एक छोटी सी पंक्ति जीवन के हर एक क्षेत्र में समझो। साड़ी मिली नहीं, क्या सोचोगे? मैं रख लो, मैं सोचोगे दूसरे को अर्पित करो। संघ और समाज, आज गांव गांव में जहां जाते हैं वहां एक ही बात सुनने को मिलती है, महाराज साहब इस गांव में दो ग्रुप बने हुए हैं। हम पीछे इतने सारे गांवों से विचरण करते हुए आ रहे हैं, हर जगह ये बात सुनने को मिलती है, आज गांव में दो ग्रुप बने हुए हैं, ये वाला ग्रुप आएगा तो वो वाला नहीं आएगा, वो वाला आएगा तो ये वाला नहीं आएगा। क्यों है ये स्थितियां? क्योंकि कोई भी आदमी छोड़ के लेने को तैयार नहीं है, हर आदमी लेने को तैयार है, छोड़ने को तैयार नहीं है। वो दूसरे को ऑफर करने को तैयार नहीं है, वो खुद रखना चाहता है। और जैसे हम खुद रखना चाहते हैं, अब क्या हुआ, हमारी दृष्टि में धन महत्वपूर्ण हो गया, पद महत्वपूर्ण हो गया, व्यक्ति नहीं, वो ईश्वर नहीं जो व्यक्ति रूप में हमारे साथ जी रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? अधिकार। ये अधिकार की भावना जो है ना, प्राचीन आचार्य एक बड़ी बार प्यारी बात कहते थे, संस्कृत में कहा करते थे वो, कि जो व्यक्ति अधिकार भाव में जीता है और हर चीज पे अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है, अधिकार छोड़ना नहीं चाहता, उसका अ हट जाता है क डबल हो जाता है। यानी धिक्कार, उस व्यक्ति को एक दिन धिक्कार मिलता है जो अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। और सारी लड़ाइयां कहां है देखो जरा, आज हम मार्केट में देखो, मंदिर में देखो, स्थानक उपाश्रय में देखो, गुरुद्वारे में देखो,
घरों में देखो, समाज सरकार में देखो, हर जगह पर कलह का कारण क्या? एक ही चीज, अधिकार भाव। हर आदमी अपने अधिकार में रखना चाहता है, जो मिला उसको तो रखना ही चाहता ही है, जो दूसरे को मिला है उसको भी रखना चाहता है, जो खुद को मिल गया उसको तो वो अपने अधिकार में रखना ही चाहता है, उसको तो देना चाहता ही नहीं है, पर जो किसी और को मिल गया ना उसकी नजर उस पर भी जाती है, ये मुझको कब मिलेगा, ये मेरा कब हो जाएगा, इसको मैं कैसे हथिया सकता हूं, कैसे पा सकता हूं। ये सूत्र कहता है, ये श्लोक कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृद्ध कस्य स्वित धनम। किसी के भी धन में गृद्ध मत बनो। किसी के भी धन मतलब क्या? उसने जो धारण कर रखा है, ध यानी धारण किया हुआ, जो भी उसने धारण कर रखा है, जो भी उसने पहन रखा है, प्राप्त कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, उसमें तुम्हारा मन नहीं जाना। जैसे दूसरे के धन में मन गया, अब ये जगत ईश्वरमय नहीं दिखलाई पड़ेगा। तो धर्ममय होने का सूत्र, वो दृष्टि प्राप्त हो जाए, उसका सूत्र यह है कि हमें किसी अन्य के अधिकारों में जरा भी आकर्षण पैदा ना हो, जरा भी आसक्ति पैदा ना हो। जो हमें मिला उसको भी हम अर्पित करके ग्रहण करें, और जो हमें नहीं मिला उस पर कभी हमारी नजर ही ना जाए। आप कहोगे महाराज साहब बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? हर आदमी दूसरे के पास जो है दिन रात उसी को सोचता है, उसी को ध्याता है, उसी को पाना चाहता है, और जो उसके पास में है उसको वो पकड़ करके, छुपा करके, दबा करके रखना चाहता है। जो मिल गया वो छोड़ना नहीं चाहता, और जो नहीं मिला वो पाना चाहता है। ऐसा आज के युग में नहीं, हर युग में रहा है, प्रत्येक युग में आदमी की मनोवृत्ति ऐसी ही रही है कि जो मुझे मिला वो छोड़ू नहीं, और जो तुझे मिला वो मुझे कैसे मिले इस बात की चिंता करो। इसलिए तो हर व्यक्ति मरते समय तक अपनी सारी प्राण ऊर्जा को खो करके मरता है, उसकी चेतना विकसित नहीं होती, उसकी आत्मा विस्तृत नहीं होती, विराट नहीं होती, वो अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध होता ही नहीं है। वो हमेशा जितने स्वरूप को लेकर आया उससे हमेशा घटता 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 जाता है। लोग पूछते हैं ना कि क्या कारण है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, देखा ना आपने, आदमी जब मरता है तो उसके हाथ खुले होते हैं, देखा आपने किसी मरते हुए आदमी की मुट्ठी बंद देखी कभी? मरते हुए आदमी की मुट्ठी बंद नहीं होती, और पैदा होते हुए बच्चे की मुट्ठी खुली नहीं होती। पैदा होता हुआ बच्चा मुट्ठी बंद करके पैदा होता है, मरता हुआ आदमी हाथ खाली खुला, क्योंकि जब वो आता है तो प्राण ऊर्जा लेकर आता है, चैतन्य लेकर आता है, दिव्यता के साथ आया, इकट्ठा है, अभी जीवन लेकर आया है। लेकिन जैसे 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 वो इस दुनिया की चीजों में मन अटकाता जाएगा, उसके प्राण बिखरते जाएंगे, और फिर दूसरों की चीजों को हत्याने की कोशिश करता रहेगा, चिंता में जाएगा, धीरे 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 उसके प्राणों का इतना अतिपात हो जाएगा कि जाते समय तक हाथ खाली खुले। एक दृष्टिकोण यह भी है, यूं तो ये बात को कहने के अनेक दृष्टिकोण है, लेकिन एक दृष्टिकोण यह भी है कि आदमी प्राण लेकर आता है और जाता है तब तक प्राण हीन हो जाता है, उसके प्राण अतिपातित हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यर्थ की चीजों में ही दिन रात दिमाग लगाए रखता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि महाराज साहब अगर आप कहो कि जो मिला है उसको अर्पण कर दो, लोग हमें बेवकूफ नहीं समझेंगे? और फिर लोग तो वैसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड, वो हमें वैसे ही तो ऐसे लेते हैं जैसे कि हम फालतू में मिले उनको, और फिर हम और उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए तो दिन रात हमें ही काम करना पड़ेगा, फिर तो कोई और काम करेगा ही नहीं, और हम अपनी चीजें खुद छोड़ने को तैयार हो जाएं, दुनिया चाहती यही तो है कि तुम चीजें छोड़ो और हम पकड़ ले, तो ऐसे तो हम मूर्ख कर लाएंगे दुनिया के अंदर, बेवकूफ हो जाएंगे, ऐसा कैसे चल सकता है? ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है कि हम अपनी चीज छोड़ दें। हाँ, दूसरों की चीज में नजर ना रखें, ठीक है, ये प्रैक्टिस की जा सकती है कि हम दूसरों के अधिकारों को पाने की कोशिश ना करें। मां गृद्ध कस्य स्वित धनम, किसी के धन में हम आसक्त ना बने, पॉसिबल है, पर अपने पास जो मिला उसको त्याग दे,
ऐसा कैसे? इम्प्रैक्टिकल है ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा हमको लगता है, लेकिन पता है जीवन का एक विचित्र पहलू, जीवन सत्य का एक विचित्र पहलू यह है कि जो व्यक्ति अपनी ओर से छोड़ देता है, पूरा ब्रह्मांड उसके ध्यान रखता है, पूरी प्रकृति उसका ध्यान रखती है, कह दो ईश्वर उसका ध्यान रखता है। जो व्यक्ति अपनी ओर से पकड़ के बैठा होता है, फिर उसका ध्यान वो ही रखता है, कोई और नहीं रखता है। आप कहोगे ऐसा कैसे? एग्जाम्पल से समझो। आप अपने लिए खाना बनाते हो, आपके खाने का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हम अपने लिए खाना नहीं बनाते, हमारे खाने का ध्यान आप सब रखते हो, है या नहीं? हम अपने खाने का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सब रखोगे, कह रहे महाराज साहब हमारे घर भिक्षाचरी में आना, हमारे घर भिक्षाचरी में आना। और अगर हम अपना ध्यान रखने लग जाए, हम खुद बना के खाने लग जाए, तो आप कहो ना आओगे? नहीं आओगे। आप छोड़ के देखो, जिस भी चीज में आप छोड़ोगे, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। लोग आगे से चल के आके देंगे कि ये चीज की आपको जरूरत होगी, आप रख लो, ले लो। कुछ दिनों पहले दो भाई बैठे थे हमारे पास। एक भाई ने, जो उसके साथ उसका मित्र आया था, उसको समझाने के लिए मुझसे सवाल किया। कहते महाराज साहब, कोई व्यक्ति दूसरे को कमा के थोड़ी देगा, हर व्यक्ति को अपनी कमाई खुद करनी पड़ेगी। ये मेरा भोला मित्र क्या सोचता है कि इसके दूसरे लोग इसको कमा के दे देंगे और ये अपना धर्म ध्यान करे या ये कुछ और करे, लेकिन कोई और क्यों कमा के देगा? इसको अपनी कमाई का तो ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। तो वो भाई साहब हमें कहते हुए मोहर लगवाना चाह रहे थे कि महाराज साहब आप कह दो कि कोई किसी को कमा के नहीं देता है। हमने कहा कि देखो, प्रैक्टिकल बात यह है कि आप अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। आपको दुकान चलानी है, दुकान में बैठना ही होगा, ग्राहकों से बात करनी होगी, अपना माल भी दिखाना पड़ेगा, उसके बिना कैसे आपका माल कोई खरीदेगा। लेकिन इस बात को मत विश्वास करना कि कोई आपको कमा के नहीं देता, हमेशा विश्वास करना कि सारी दुनिया आपको कमा के देने के लिए तैयार खड़ी है। वो बोले ऐसा कैसे? जिसने सवाल किया था वो बोले महाराज साहब ये बात आप कैसे कह रहे हो? मैंने कहा सिंपल सी बात है, आप आज मेरे पास अभी यहाँ खड़े हो और आपके पीछे दुकान चल रही है? नहीं कि चल रही है। मैंने कहा आपके पास दुकान में काम करने वाले लोग आपके प्रति कितना सद्भाव रखते हैं, कभी चोरी नहीं करते, आप पे विश्वास रखते हैं और हर काम बड़े अच्छे से करके देते हैं कि हाँ करके देते हैं। कहा आपको इतने अच्छे लोग कैसे मिले इस दुनिया में? क्योंकि मैं भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सबके लिए सद्भावित हो, प्रेम से भरे हो, आप सबको साथा उपजाने का भाव रखते हो, किसी को कष्ट उपजाने का भाव नहीं रखते, आप हर व्यक्ति की जिंदगी में सहयोग करने का भाव रखते हो और सहयोग करते भी हो, और सहयोग करने के बाद कभी ताना नहीं मारते, मैं हूं जो सबका सब कुछ करता हूं, मैं नहीं होता तो कौन होता, लोग करने के बाद वापस बोलते भी है ना। अगर आप करने के बाद छोड़ देते हो, अब देखो आपने करके छोड़ दिया ना, कई गुना होकर के लोग किस तरह से आएंगे और आपका काम करके चले जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए चाहिए छोड़ दो, पूरे विश्वास के साथ छोड़ दिया, फिर सोचो मत, सोचते हो तो छोड़ा नहीं। पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोड़ के देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, चलो ये काम छोड़ा, देखो कुछ होता कि नहीं होता। हम आस्था वाले विषयों में, समर्पण वाले स्थानों पर दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, व्यापार करने की कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा सा समर्पण करके देखता हूं, इस थोड़े से समर्पण से मुझे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता। नहीं होगा। जो थोड़ा छोड़ता है वो नहीं छोड़ता, जो पूरा छोड़ चुका है वो छोड़ चुका है, जो छोड़ने के बाद सोचता है उसने छोड़ा नहीं, जो छोड़ने के बाद सोच रहा है छोड़ा तो ठीक किया गलत किया, छोड़ना चाहिए या नहीं, अपनी चीजें देनी चाहिए या नहीं, अर्पण करना चाहिए या नहीं, अधिकार भावना रखूं, लड़ाई करूं, मैं भी कोर्ट केस करूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, बराबरी का मिलेगा अथवा मुझे वोट ज्यादा मिलना चाहिए, जो भी इस तरह से सोच रख रहा है वो भी पाएगा, लेकिन थोड़ा पाएगा। जिसके लिए लड़ेगा उसको पाएगा तो सही, लेकिन इतनी अशांति मोल लेकर के पाएगा और पाने के बाद फिर अशांतियां ही पाएगा।
क्योंकि जिसको पाने में भी अशांति थी उसको पा चुकने के बाद भी अशांति आएगी, लेकिन जो छोड़ देगा प्रकृति में उसकी व्यवस्था स्वयं में होती रहेगी। उसको जब जिस चीज की जरूरत होगी वो सामने से आएगी, क्योंकि अब आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, ब्रह्मांड आपका ध्यान रख रहा है। आप पकड़ के नहीं बैठे हो तो चीजें आएंगी आपके पास से, आपके उपयोग में आएंगी और आगे बढ़ जाएंगे, आप पकड़ो ही मत। इसके लिए इतना समर्पण भाव होना, और समर्पण भाव के अंदर शंका नहीं होना। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृद्ध कश्य स्वित धनम, छोड़ दो, त्याग पूर्वक भोगो, अर्पण करके ग्रहण करो। हर चीज में पहले दूसरे को ऑफर करो, जो जो लेना चाहे सब ले ले, जो पीछे बचा वो लेना, और दूसरों की तरफ कोई आकर्षण नहीं रखना। तब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका शरीर आवश्यक को ग्रहण करेगा और दिमाग व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो जाएगा। और जैसी व्यर्थ की चिंता से मुक्त होगे आपके अंदर वो दृष्टि पैदा होगी कि आप सामने रहे हुए ईश्वर को देख सकोगे। जो व्यक्ति लगातार व्यर्थ की चिंता में ही डूबा हुआ है उसको सामने आया हुआ ईश्वर नजर कहाँ आएगा? उसे हर घटना में किस तरह से प्रकृति एक लीला कर रही है, परमात्मा की एक लीला हो रही है, वो नजर कैसे आएगी? आ नहीं सकेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि तो सोच में चिंता में आकुल व्याकुल है। मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा टिका रहेगा, बना रहेगा नहीं बना रहेगा, मेरा होगा क्या, क्या नहीं होगा, वो अपनी छोटी सी सोच में इतना ज्यादा, जैसे बोलते ना कि वो मकड़ी होती है अपने चारों जाला बुनती रहती है, बुनती रहती है, बुनती रहती है, उसको लगता है अगर जाला नहीं बुनूंगी तो मैं रहूंगी कहां, मैं सुरक्षित कैसे होंगी? लेकिन फिर इट लास्ट क्या होता है, कहते हैं जिस जाले को वो अपनी सुरक्षा के लिए बुनती है उसको बुनने के बाद में उसी में फंस करके उलझ करके मर जाती है, क्योंकि उसकी गति प्रगति रुक जाती है। एक मकड़ी अपने बनाए हुए जाले में फंस के मर जाती है, और आदमी निरंतर उस पॉलिटिक्स को खेलता है कि किस तरह से मैं अपने जाले बना सकूं, अपना जाल बिछा सकूं। और जैसे वो जाल बिछाता है उसकी चेतना शक्ति उसी में उलझ के खत्म हो जाती है, और तब वो इस जगत में आया कभी कभार कृपा पाने के लिए देव मंदिर भी चला गया, और देवता हंस रहा था, मैं हर जगह इसके साथ था लेकिन इसने कभी मुझे देखा ही नहीं। तो कृपा कांक्षी मत बनो, कृपा की कामना करने वाले मत बनो, हर पल मिल रही कृपा को महसूस करने वाले बनो। दो बातें, एक मुझ पर कृपा हो और एक मुझ पर कृपा हो रही है इसलिए आभार। दो तरह की सोच है, एक सोच है मुझ पे भी कृपा हो, कभी तो कृपा हो, कभी तो दर्शन हो, और एक ये सोच है मुझ पर कृपा हो रही है इसलिए आभार। कौन सी सोच ठीक है? हो रही है, हो रही है वाली बात ठीक है। हमेशा ऐसा फील करो कि हो रही है। आशीष से तुम्हारी दुख दूर हो रहा है, आशीष से तुम्हारी दुख दूर हो रहा है, अंतर में सुख का सोता भरपूर हो रहा है, अंतर में सुख का सोता भरपूर हो रहा है, हो रहा है। मेरे अंतर में सुख का स्रोत फूट रहा है, मेरे सारे दुख दूर हो रहे हैं, मेरे पे आनंद की वर्षा हो रही है। महसूस करो, जितना ज्यादा कृपा को महसूस करते हुए जियोगे उतने ही दिव्य होते जाओगे, जितना ज्यादा छोड़ के जियोगे उतना ही आस्थावान होते जाओगे, श्रद्धावान होते जाओगे। बिना अधिकारों का समर्पण किए श्रद्धा घटित नहीं होती है। जो पकड़ के रखता है और चाहता है श्रद्धा हो जाए, नहीं हो सकेगी। जो छोड़ता है वह श्रद्धा को उपलब्ध होता है। श्रद्धा उसमें जात होती है, जाए श्रद्धाए निखंतो, आचार्यों का सूत्र का एक सूत्र है ये कि जाए श्रद्धाए निखंतो, श्रद्धा जात पैदा होती है उसमें निखंतो, जो निष्क्रमित हो जाता है, जो छोड़ देता है।
जो हर चीज को छोड़ता जाता है उसमें श्रद्धा पैदा होती जाएगी। इस सूत्र के भी अनेक अर्थ है, पर यहां हम एक अर्थ की बात कर रहे हैं कि जाता है श्रद्धा उसमें श्रद्धा पैदा हो जाएगी। जाए श्रद्धाए निखंतो, जिसने छोड़ दिया। तो कई लोग होते हैं श्रद्धा तो चाहते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। दो चीजें नहीं हो सकती, छोड़ दो, छोड़ो ब्रह्मांड आपको ले लेगा, पकड़ के रखा सीमित हो जाओगे। तो जहां सीमा है वहां पाप है, जो असीम है वह परमात्मा है। परमात्मा और पाप की एक परिभाषा यह भी है कि जो सीमित है वह पाप है, जो असीम है वह परमात्मा है। असीम को भी सीमित बनाकर क्यों रखते हो आप? यही है हमारा बहुत बड़ा पाप। हम सब लोग अपने असीम व्यक्तित्व को, असीम अस्तित्व को सीमित बना के रख देते हैं और हम अपने आप के प्रति पापी है। लोग सवाल करते हैं, खाऊंगा तो पाप लगेगा क्या, चलूंगा तो पाप लगेगा क्या, बिजनेस करूंगा तो पाप लगेगा क्या? अरे भैया, पाप तो हमारे अंदर तभी हो गया जब अपने अपने आप को सीमित मान लिया। कुछ करने से होगा कि नहीं होगा, सोच में ही पाप पैदा हो चुका है यहां तो, क्योंकि हमने अपने आप को सीमित कर लिया। और जो अपने आप को असीम महसूस करते हुए जीता है वो व्यक्ति परमात्मा होता है, परमात्मा के मार्ग पर होता है, धर्ममय होता है। हम सब धर्ममय बने, हम सबको दृष्टि मिले कि हमें पूरी सृष्टि में सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वरमय है, ऐसा दिखलाई पड़ सके, ऐसी प्रार्थना जगे, ऐसी भावना पैदा हो, ऐसी अवस्था आए हम सबके अंदर, तो ही ये जीवन सार्थक हो पाएगा। जय हो, जय हो, जय हो।